राज्य के तमाम एनएम और जीनेम जो अनुबंध पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, वह पिछले 18 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं 11 दिनों से 21 लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। उनमें से कईयों की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें राज्य सरकार नियमित कर दे। आज इसी मामले को लेकर अनुबंध कर्मियों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और कहा है कि इतने लोग बीमार हो गए लेकिन अब तक विभाग और मुख्यमंत्री सूद तक नहीं लिया। राज्यपाल ने मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारियों को कहा है कि सरकार को आपके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए। आज ही मैं स्वास्थ्य मंत्री को बुलाकर आपकी बातों को उनके समक्ष रखूंगा। बता दें कि आज भी लगभग 2 से 2500 की संख्या में लोग धरना स्थल पर डटे रहे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। आज भी 2 कर्मियों को सदर अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि अनशनकारियों की संख्या अस्पताल में बढ़ते जा रही है और अनशन स्थल पर कम होते जा रही है, फिर भी सरकार गहरी निद्रा में सो रही है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।